हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 20 सितंबर 2015 को। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम हलवा बना देते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल 518 रुपए है ना, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ टोटल पुस्तकें कितनी हैं 10,290 को पैक करना है। आप मुझे बताओ एक बक्से में 98 आती हैं पुस्तकें, तो आप मुझे बताओ इससे पता कर सकते हो कि कितने बक्से लगेंगे। बिल्कुल, आप मुझे बताओ टोटल बुक्स जो हैं, किताबें हैं, वो 10,290 हैं। एक बक्से में 98 आती है, तो 98 से भाग करोगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल बक्से कितने लगने वाले हैं। समझ रहे हो, आप मुझे बताओ 98 से काटोगे, 98 एकम 98, 98 और 4 कितना होता है 102 होता है, मतलब कि 4 हुआ और कैरी लोगे 9, 49 हो जाएगा। 49 98 से जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे तो एक 0 और लेना पड़ेगा, मतलब कि 490 हो गया। अब 98 से 490 कितने बार कटता है, साफ साफ दिख रहा है ना। 98 पंजा 5 दाएं करोगे ना, 48 40, 5 45 और 4 49, मतलब कि 5 टाइम चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो बॉक्स निकल कर आएंगे ना वो कितने आएंगे, 105। 105 डब्बे होंगे, जो बक्से होंगे उसमें 10,290 जो किताबें हैं ना वो पूरी आ जाएंगी। आप क्या कह रहा कि एक बक्से का मूल 518 रुपए है ना, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल कितना होगा, टोटल बॉक्स कितने हैं 105। अब एक बक्से का मूल कितना है 518, तो सभी बक्सों का मूल कितना हो जाएगा, 105 इंटू 518 करोगे आ जाएगा। आप मुझे बताओ 105 इंटू 518 का गुणा करोगे कैसे। आप अगर ध्यान से देखोगे लास्ट डिजिट 5 और 8 है, 48 40, मतलब कि लास्ट का अंक जो भी आने वाला है वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 कहाँ दे रखा है लास्ट के अंक में, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दे रखा, गलत ना, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा ना, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। ऑप्शन नंबर 1 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको ज्यादा कैलकुलेशन कर समय बर्बाद नहीं करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10,000 प्लस 1,000 प्लस 10 दहाई बराबर है। मैंने बोला है जहां 1,000 दिखे मतलब उसका गुणा किस में करना है, 1,000 का गुणा करना है। जहां 100 दिखे मतलब उसमें 100 का गुणा करना है। जहां 10 दिखे मतलब उसमें 10 का गुणा करना है। आपको जोड़ना ही तो है, 10,000 लिखा है, 10 × 1,000 कितना हो जाएगा, 10 × 1,000 कितना होता है 10,000 होता है। 10 × 100 कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अब 1,000 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 1,000 हो गया। अब 10 × 2,5 करोगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। अब मुझे बताओ अब इसको जोड़ना ही तो है, अब देखना कितना आएगा। लास्ट में देखो ध्यान से कि 2 जीरो आ रहे हैं, लास्ट में 2 जीरो कहाँ आ रहे हैं, खत्म खत्म, ये देखो खत्म। जितनी कैलकुलेशन की नीड है ना बस हमको उतना ही सॉल्व करना है और सॉल्व कर हमको समय बचाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर जो भी शेषफलों का योग बताना है। आप मुझे बताओ 11 से भाग दो, यहां से डायरेक्ट देखो 11 बहुत छोटा नंबर है, डायरेक्ट काट सकते हो। 11 एकम 11, एक बचा 11 हुआ, फिर 11 एकम 11 खत्म। अब एक बचा आगे बार कैरी लोगे 2 तो 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 11 एकम 11 मतलब शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब ऐसे देखो 13 से काटोगे, 13 एकम 13 पूरा चला जाएगा, 2 कैरी लोगे, 2 छोटा है तो 0 लेना पड़ेगा, तो 22 हो जाएगा। 13 एकम 13 अब कितना हुआ, 13 9 22 होता है, फिर यहाँ कितना हुआ 93 हो जाएगा, 13 7 91, मतलब कि यहाँ जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कह क्या रहा कि 2 जो शेषफल आएगा ना उसका योग बता दीजिए। तो पहले शेषफल 1 आया, बाद में शेषफल 2 आया, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। मैंने बोला स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जिसका कह रहा है ना उसी के सामने 6 रख दो।
अब देखो राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, उतने जीरो चिपका दो, 1, 2, 3, मतलब कि 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और मैंने बोला है कि अगर आप अंकित मान निकाल लो ना, जिस भी नंबर का अंकित मान निकालोगे तो उस नंबर का अंकित मान क्या रहता है, सेम ही रहता है, मतलब कि 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा। कह रहा है इसमें अंतर बता दो। आप मुझे बताओ जब 6000 में जब 4 जाता है ना तो कितना आता है, 999, बहुत छोटा नंबर। 6000 में जब 4 जाएगा तो 5600 थोड़े ना आएगा, ये 400 घट रहा है यार, खत्म, ये 2 थोड़े ना आएगा। ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 30, 36, 42 के सबसे छोटे सारगुणज मतलब कि एलसीएम लेना है, तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात कर रहा है का गुणनफल है। चलो कर दे रहे हैं, आप मुझे बताओ 30, 36 और 42 का एलसीएम क्या होगा। देखो सभी में 6 कॉमन है, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 36, 6 × 7 = 42। आप देखना ये किसी में कोई नंबर है नहीं ऐसा जो कॉमन बना दे। अगर एलसीएम की बात करेंगे ना तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 7, एलसीएम सबका मल्टीपल हो जाता है ना, 5 × 6 × 7, और ये 6 ऊपर जो है। आप मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा, 5 × 6 = 30, 30 × 6 कितना होता है, 6 × 3 = 18, 150, 150 में गुणा 7 करोगे देखो कितना आएगा, 0, 7 × 8 = 56 की 6, 7 × 7 = 5 = 12, मतलब कि 1260 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। आप मुझे बताओ एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हम निकाल चुके ना, एचसीएफ देखो सिर्फ 6 ही तो कॉमन है, आगे कोई नंबर कॉमन तो है नहीं, मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, 6 आएगा। इनका गुणनफल पूछ रहा है, 1260 में जब 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 0 की 0 रहेगा, 6 × 36 = 6, 6 × 36 = 6, हासिल लगी 3, अब 6 × 2 = 12 और 3 कितना हुआ, 15, 560 आना चाहिए, 560 समथिंग कहाँ आ रहा, खत्म, 560 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 ये में ही आ रहा है 560। जितनी कैलकुलेशन की नीड है हमें बस उतना ही सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है बताइए। आप मुझे बताओ 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है जो किसके गुणज है, 7 के गुणज है। आप मुझे बताओ 84 का जो गुणनखंड है, देखो 7 के गुणज सबसे पहले तो 7 ही होगा, फिर देखो 14 होगा, फिर 7 × 21 होता है, फिर 7 × 28, 28 क्या 84 को काटेगा, गुणनखंड क्या होता है जो उस नंबर को पूरा पूरा काट दे, 3×8 = 24, 3×2 = 6 और 2×8 काटता है, 7 × 28 हो गया, 7×5 = 35, 35 तो 84 काटेगा नहीं, 7×6 = 42, 42 देखो 84 से काटता है, 42×2 = 84, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×5 = 63, 7×2 = 70 और फिर 77 के बाद में 84 जो 7 का गुणज है, मतलब कि 84 भी तो है 7 का गुणज। अब ध्यान रखना क्या कह रहा है, उनका योग बताइए। आप मुझे बताओ सबको जोड़ दो, 7, 14, ये समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, 7 का गुणज ही तो चेक करना है, 7 × 7 = 84 काटेगा, फिर 14 भी काटता है, फिर 21 भी काटता है, फिर 28, फिर 42 और फिर 84 कि 84 तक के तो देखने हैं। अब सबको जोड़ना है, 28 + 42 + 84 देखो कितना आ रहा। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि 42 और 28 कितना होता है, 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया, समझे, 14 और 7 कितना होता है, 21 और 21 क्या हुआ, 42, तो ये हो गया और ये हमारा 84 हो गया। अब इसको जोड़ो कितना आएगा, 4×2 = 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, 8×4 = 12, 7×19 पूरा आ जाएगा, 196। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM था, मतलब कि शाम, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM था, ठीक है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में समय क्या होगा। आप मुझे बताओ 8:49 क्या था, पीएम था, 8:49 को हम क्या लिख सकते हैं, 12:08 = 20 होता है, मतलब कि 20:49 कह सकते हैं ना, तभी तो 8:49 PM हो गया, मतलब शाम की बात कर रहा, रात की। आप मुझे बताओ टोटल घंटे कितने, 24। आप मुझे बताओ 24 घंटे होने में, मतलब कि 00 पे आने में, तभी तो एएम लगेगा, 00 आने में कितना समय है, देखो 49 में अगर 11 मिनट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 21 बज जाएगा, मतलब कि 9 बज जाएगा, 21 से फिर 3, मतलब कि 3 घंटा और लगेंगे, कहने का मतलब ये हुआ 3 घंटा 11 मिनट लगेंगे अभी 12 बजने में, 3 घंटे 11 मिनट तो ये हो गए, अब 12 बज गया। अब क्या कह रहा, 1:19 अगला दिन 1:19 का है, अब अगला दिन को छोड़ो, खाली 1:19 देख लो कब बजेगा, 12 बजे बाद जो सुबह होती है, रात में 12 बजता है, एएम लग जाता है, एएम मतलब 1:19 को कह रहा, मतलब कि 1 घंटा 19 मिनट और लगेगा,
1 घंटा 19 मिनट और लगेगा। देखो 3 घंटा 11 मिनट और 1 घंटा 19 मिनट कितना हो जाएगा, 4 घंटा 19 और 11 कितना होता है, 30 मिनट। मतलब कि जो भी दिल्ली का समय है ना और सिडनी का समय है, टोटल कितने घंटे आगे, 4 घंटे 30 मिनट आगे है। आप मुझे तो दिल्ली में 11:19 AM चल रहा है, 11:19 AM चल रहा है, आप मुझे तो 4 घंटा और 30 मिनट आगे ले जाओगे सिडनी के लिए, तो कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 11:04:15 का मतलब समझे, 15:49 का मतलब क्या होता है, 3:49, वो भी PM होगा, क्योंकि 15:49 आ रहा है ना, PM होगा। पहली बात तो AM वाले तो खत्म ही हो गए, 3:49 PM कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। बहुत बार सवाल आ चुका है कि आधा सेंटीमीटर जो है ना वो क्या है, 125 किलोमीटर को दर्शाता है। अब क्या कह रहा है कि दो नगरों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, 200 किलोमीटर है, समझ गए। तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, आप मुझे बताओ, 1/2 सेंटीमीटर क्या है, 125 को दर्शा रहा है, आपको चाहिए क्या 2000 किलोमीटर को। अगर मैं 125 में 16 का गुणा करता हूं ना तो कितना मिल जाता है हमको, 2000 मिलता है। क्यों, 125 में अगर 8 का गुणा करोगे तो 12×8=96,000 मिलता है, सबको पता है। इसका डबल करोगे तो 2000 मिलेगा, 1000 का डबल मिलेगा। मतलब कि 125 में अगर मैं 16 का दोनों साइड में गुणा कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो 125×16 क्या हो जाएगा, 2000 किलोमीटर। अब देखना, 16×1/2 क्या होता है, 2 से काटोगे क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मानचित्र है ना वो 8 सेंटीमीटर को दर्शाएगा, 8 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, चाहे आप ऐसे कर लो, 1/2 सेंटीमीटर है, ये क्या है 125 को दर्शा रहा है। अगर मैं दोनों तरफ गुणा करता हूँ 2 का, तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा, 25×50 और 2 मतलब कि 250 को दर्शाएगा, 250 किलोमीटर को। अब देखो 250 किलोमीटर 2000 को बनाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 0 से 0 खत्म, 25×8 कितना होता है, 200 होता है, ये तो पता ही होगा। मतलब कि 8 का गुणा करना पड़ेगा, अगर 2000 बनाना तो 8 का गुणा कर दो, 8×1 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, जिससे कि आंसर आपका कम समय में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। आप मुझे बताओ, 25/57, मैंने बोला शतांश क्या होता है, 1/100 भाग होता है, 25×57 मतलब 1/100। देखो 25×1/100 करोगे, 25/100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, ये सही हो गया। अब देखो 0.57 बराबर क्या है, 0.57 बराबर क्या कह रहा है, 0.5700 के बराबर है। हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के बाद में जब लास्ट में आप चाहे जितने जीरो लगा दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.57 इसके भी बराबर होगा। आप जीरो लगाते चले जाओगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बराबर ही रहेगा, ये चीज तो सही हो गई। अब देखना तीसरा ऑप्शन हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, क्योंकि आयत वर्ग है। चौथा ऑप्शन देखो बहुत सारा लेना, 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर + 9 मिलीलीटर होगा क्या, 2009 जो मिलीलीटर है, देखो 2 लीटर में कितना होता है, मिलीलीटर बनाएंगे तो 1000 मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में 2000 हो जाएगा, ये 9 मिलीलीटर। आप मुझे तो 2009 2000 + 9 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, 2009 बना देगा, मतलब कि ये भी सही हो जाएगा। तीन ऑप्शन जब सही है तो ऑप्शन जो थर्ड बचा वही हमारा गलत हो जाएगा। आपसे पूछ के आ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है आपके पास। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। आप मुझे बताओ टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 660, इसमें क्या कह रहा है 2/3 लड़के हैं, अगर 660 का 2/3 करेंगे तो 3 से काटो, 3×6 3×6=0, 220×2 करोगे कितना आएगा, 440 जो है वो हमारे क्या है, बॉयज है। अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, टोटल 660 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 220, क्योंकि 440 + 220 660 होता है। आप मुझे तो लड़कों की संख्या का 3/4 जो है ना वो खिलाड़ी है, 440 जो टोटल बॉयज है इसका 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। देखो काट दो ना, 4×4 4×4 11×3 करोगे, 11×3=33, मतलब कि 330 लोग जो है ना वो खिलाड़ी है, पढ़ने वाले कम है। आप मुझे बताओ लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 220×1/4 करोगे, काटोगे 4×5=20, 4×5=20 देखो 55
लोग क्या है, खिलाड़ी है, लड़कियां पढ़ने वाली होती है। आप मुझे बताओ क्या करें, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है? आप मुझे 330 खिलाड़ी हैं और 55 भी लड़कियां खिलाड़ी हैं, टोटल जोड़ोगे ना तो 330 प्लस 55 क्या होता है, 385 होता है। 385 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है, टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। मतलब कि आप मुझे तो कमरे जो फर्श है ना वो कितना क्या है, 9 मीटर और 7 मीटर का है, मतलब अगर एरिया की बात करेंगे तो 9 × 7 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 9 × 7 हो जाएगा। देखो सभी ऑप्शन क्या दे रखे, सेंटीमीटर दे रखे। कहने का मतलब ये हुआ जो फर्श का जो एरिया है, अगर इसको हम 9 मीटर को 900 कर दें, 900 सेंटीमीटर कोई दिक्कत, 7 मीटर को 700 कर दें कोई दिक्कत, आपको टाइलें लेनी है किस सेंटीमीटर में। आप मुझे बताओ अगर आप ऑप्शन ए लेते हो, जैसे मैंने कहा 40 × 65 लोगे ना, तो ये पूरा पूरा काटना चाहिए, दशमलव में चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर दशमलव में आ रही तो मतलब टाइले को काटना पड़ेगा, समझ रहे हो ना इतनी बात। अगर ध्यान से देखो, देखो 5 से काटोगे, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65 होता है। 700 को देखो 5 से काट दो, मान लो 5 × 5 दो हुआ, 5 × 20 = 140 हुआ। आप मुझे तो 13 क्या किसी भी नंबर को काट पाएगा, 140 13 से कटता है क्या, 913 से कटता है, नहीं कटता ना। इसका मतलब ये दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो चीजें कट जाएंगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। आप देखो 900 × 700 दूसरा ऑप्शन चेक करोगे, दूसरा ऑप्शन क्या है 55 × 40 है। अगर यहाँ से देखो 5 से करोगे ना तब ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 देखो क्या 900 और यहाँ देखो 5 से काटोगे 140 आएगा। 11 क्या 900 और 140 को काटता है, नहीं काटता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, क्योंकि टाइलें बिखर जाएंगी ना, दशमलव में आएगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूँ 900 पूरी पूरी कटनी चाहिए, एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए तभी टाइलों को बगैर काटे लगा सकते हो, 35 × 45 लोगे, तो आप मुझे बताओ ध्यान से 7 से काटोगे 7 × 35, 9 से काटोगे 9 × 45, यहाँ देखो 7 कट गया, ये कितना बचा 100, ये कितना बचा, ये भी 100 बचा, 5 × 25, 25 चौको क्या हुआ 100 × 4 क्या हुआ 400, सीधा सीधा परफेक्ट नंबर आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप 35 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की फर्श की टाइलों की माप लोगे ना तो आपको कमरे में एकदम फिट बैठ जाएगा, जो कमरा क्या है 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, आराम से आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटा, घंटा को पहले मिनट बनाओ 60, 60 के बाद में फिर क्या बनाओ सेकंड बनाओ, ये हो गए हमारे 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। कह रहा किसके मिनट की संख्या के बराबर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं, 12 दिन, 12 में दिन कितने होते हैं, एक दिन में कितना घंटा 24, तो 12 × 24 हो जाएगा। अब घंटे में मिनट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप कह रहा कितने मिनटों की संख्या के बराबर है, तो 60 कर दो। आप मुझे बताओ क्या ये इसके बराबर है क्या। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 जीरो आ रहे हैं ना, इसमें कितना जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा, तो ये हो ही नहीं। अगर मैं 16 लेता हूँ ना तब भी 1 जीरो आएगा, हमको 2 जीरो वाले चाहिए। अगर मैं 15 लेता हूँ, देखो 15 बना सकता है, 15 लोगे 24 लोगे और कितना 60, हमारा कितना आना चाहिए 6 × 60 × 60। मतलब कहने का है अगर मैं इसको काटता हूँ ना तो पूरा पूरा करना है। देखो 60 से 60 कट गया, अब देखो 15 से काटोगे, 15 × 60 हुआ, देखो 4 × 24 और ये भी 24 × 24 = 24 आ रहा है। इसका मतलब कि 15 दिन में जो मिनटों की संख्या होगी वो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 4 घनाकार बक्सों की विमाएं नीचे दी गई, लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। आप मुझे तो किन बक्सों का प्रयोग होगा ये क्या बताएगा, जैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई ना, अगर मैं इसका आयतन निकालता हूँ ना वॉल्यूम, तो मुझे पता चल जाएगा कितने वॉल्यूम में टोटल आ जाएगा 18,440 सेंटीमीटर घन। अब मुझे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सबका गुणा हो जाता है, 25 × 50, 50 × 18 करोगे, 25 × 50 500 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 9000 हो जाएगा वॉल्यूम। ये देखो 20 कितना हुआ, 2 × 4 मतलब कि 400 हुआ, 23 का गुणा करोगे 23 चौको कितना हुआ 9200 इसका वॉल्यूम आया। अब देखो 20 × 22 और 21 करोगे, 20 × 22 कितना 22 × 44 मतलब कि 440 हुआ, और 21 का गुणा करोगे तो 0 × 21 = 84 की 4 हासिल लगी 8, 21 = 84 और 8 × 4 = 12 मतलब कि 9240 आया, 9240 आया। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ना, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताओ अगर आप बॉक्स नंबर 2 लोगे और बॉक्स नंबर 3 लोगे, इनको जोड़ो देखो कितना आ रहा 9200 और 9240
40 आया, मुझे यहाँ देखो 40 दिख रहा है ना, मेरी नज़र यहीं अटक गई। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 4022 4999 18, देखो 18440 आ रहा है। इसका मतलब 18440 घनों को पैक करना है। तो ये जो बक्से हैं, ये जो बक्से बीमाएँ हैं घनाकार की, तो ये आकृति क्या होनी चाहिए? आप दूसरा नंबर का उठा लो, आप दूसरा नंबर उठा लो और तीसरा नंबर उठा लो, आपका काम बन जाएगा। दूसरा तीसरा कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आप मुझे तो वर्ग का परमाप क्या होता है? 4a, 4a बराबर 80, a बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, मतलब भुजा जो आएगी वर्ग की 20 आएगी। क्या कह रहा है? किसी आयत की जो लंबाई है ना वो क्या है? वर्ग की भुजा की दोगुनी है। भुजा की दोगुनी मतलब 20 × 40 हो जाएगा, लंबाई पता चल गई। आयत की जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना ये है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि 40 × 20 करोगे कितना आएगा? 4 × 2 = 8, 800 आएगा। ये चीज समझ गए? आप मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी? 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा। आपको बताना कितना अधिक है? 800 से जब 400 घटाओगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है, 400 अधिक है, 400 अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक हाउन भाई साहब है, क्या कह रहे, एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपए प्रति किलो प्रति केला की दर से खरीदे, 2.5 रुपए प्रति केला की दर से खरीदे 1.5 दर्जन, 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, और 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से, कैलकुलेशन बढ़ा रहा और कुछ नहीं, और 750 ग्राम 120 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का नोट दे दिया तो आपको बताना है कि विक्रेता ने कितने वापस कर दिए। कैलकुलेशन बढ़ा दिया और कुछ है नहीं सवाल में। आप मुझे बताओ एक केले का मूल कितना है? 2.5 रुपए है। 1.5 दर्जन का मतलब समझे 18 केले इंटू 2.5 रुपए के कितने हो जाएंगे? 18×5 = 90 की सून हासिल लगी, 2×18 = 36, 36×2 = 45, मतलब कि 45 रुपए के तो यही हो गए केले केले, ठीक है। हाउन भाई साहब बहुत हेल्दी हो गए होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि 3.5 किलो सेब खरीदे कितने? 57.60 रुपए के हिसाब से 3.5 किलो। मैं 3 किलो का हिसाब करता हूँ, पहले 3 किलो देख लो, 0 × 0 = 18 3×7 = 21 1×22 = 15 2×17 मतलब कि 3 किलो सेब कितना होगा? 172.8। और आधे किले की बात करूंगा तो 1 किलो 57.60 का है, 1 किलो अगर 57.60 का है आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर दो, 2×2 = 4, 5×2 = 7, 14×2 = 16 हुआ। अब एक बचा 2×16, मतलब कि 28.80 और देना पड़ेगा आधा किलो पर, 28.80 जोड़ोगे तो 8×8 = 16 की 6, अब 8×2 = 10, 1×11 हुआ, 7×2 = 9 और 1×10 हुआ, और ये 101.60 पैसे, मतलब कि 101.60 पैसे और उसके हो गए किसके? सेव के हो गए। ये रफ कर दे रहा हूँ, इतनी बात समझ गए। आप मुझे बताओ आगे क्या कह रहा है कि 1.5 किलो आम जो है ना वो 75.40 के खरीदे, 1 किलो आम की कीमत 75.40, अब आधे किलो की और देख लो, 2 से भाग कर दो, 2×3 = 6, 7×2 = 14, 15×2 = 14, मतलब 37.70 रुपये और लगाएंगे, 37.70 रुपये और जोड़े, 4×7 = 11 = 1, 5×7 = 12, 12×1 = 13 हुआ, 7×3 = 10 = 11, मतलब कि 113.10 पैसे और लिए, 113.10 पैसे लिए। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि 750 ग्राम अंगूर खरीदिए, बहुत बढ़िया, 120 रुपये के हिसाब से, 750 ग्राम का मतलब समझे 500 ग्राम + 250 ग्राम, समझे 500 ग्राम मतलब 120 रुपये किलो है तो आधा किलो कितना हो जाएगा? 60 का, फिर आधा से आधा 250 ग्राम, मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 रुपये का, 60×30 कितना हुआ? 90 रुपये का। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई, चलो थम गए। 6×1 = 7 हुआ, लास्ट में 7 है, 7×0 आया। अब देखना ध्यान से, लास्ट में 7 है, आप उसे 500 रुपये का नोट दे रहे हो, 0.00 कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 0.7 घटाओगे तो लास्ट में जो दशमलव के बाद में आएगा, दशमलव से 7 गया 3, मतलब 0.30 आना चाहिए लास्ट में, 0.30 कहाँ आ रहा, खत्म। जितना समय लगा ना कैलकुलेशन में उतना आंसर लगाने में नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी आप सब जोड़ के फिर 500 में घटाओगे तो समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा? देखो 0.30 एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना, तो क्यों ज़्यादा समय बर्बाद करना? ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।